नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का डिस्कशन शुरू करते हैं द आउटलाइन ऑफ एनोदर पैंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रेटजी। ये द हिंदू का आर्टिकल है और आपके सेकेंड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि 24 मार्च को जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था तो 519 मरीज थे और इस समय ये संख्या 28,000 से भी अधिक हो गई है। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो क्या स्थिति होती, ये ध्यान देने योग्य है। था लॉकडाउन कितना महत्वपूर्ण रहा, जब लॉकडाउन के बाद 28,000 से ऊपर पहुंच गया तो लॉकडाउन न लगने पर तो शायद संपूर्ण भारत इसकी चपेट में आ गया होता। WHO का कहना है कि लॉकडाउन एक रक्षात्मक उपाय है, यह पूर्ण समाधान नहीं है परंतु इसे एक अच्छे कार्य के रूप में ले सकते हैं, परंतु इसके लिए कोई पूर्ण समाधान खोजना आवश्यक है। लॉकडाउन के समय का भी सदुपयोग नहीं हो पाया, इसमें जो इतना बड़ा समय मिला था इसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे सही स्ट्रेटजी बनाई जा सकती थी। अब जो ग्रीन स्टेट या जिले हैं उन्हें छूट दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जहां पे कोरोना के कोई संक्रमण नहीं लिस्टेड हुए हैं उनमें छूट दे सकते हैं, और अगर पुनः कोई समस्या दिखती है तो पुनः लॉकडाउन लगा दिया जाए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए, जैसे मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइज आदि का प्रयोग करना अनिवार्य बनाया जा सकता है। वैक्सीन बनाने में अभी समय लग सकता है परंतु इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ने से कम लोगों में इस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाए जैसे प्लाज्मा थेरेपी आदि का। एक वर्ड आया है इस आर्टिकल में, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि पहले लोगों को इस संक्रमण हो जाए पहले लोगों को, फिर उसका इलाज करके उसकी एंटीबॉडीज तैयार करना। UK ने इस पर प्रयोग भी किया था, शुरू में बंद नहीं किया था लेकिन फिर घबरा के UK ने इसे अचानक बंद कर दिया और UK को सफलता नहीं मिली, बल्कि वो तो कहीं के भी नहीं रहे, ना इस तरफ ना उस तरफ, दोनों से ही मात खा गया। तो पहले ही लॉकडाउन कर देते तो लोगों को बचा लेते, या फिर किया ही था तो एंटीबॉडीज ही बना लेते। थोड़ा ध्यान देने की बात थी कि जब ये हर्ड इम्यूनिटी तैयार करनी थी तो कम से कम बुजुर्गों के प्रति सचेत रहना था, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो जाती है। तो UK इसमें सफल नहीं हो पाया, पर इंडिया इसमें सफल हो सकता है अगर इसका प्रयोग करे, क्योंकि यहाँ युवा अधिक हैं। साउथ कोरिया का एक उदाहरण मिला है कि साउथ कोरिया में 222 लोग रिकवर हो गए थे जिन्हें पुनः संक्रमण हो गया है। ऐसा भी माना जा सकता है कि हो सकता है ये पूरी तरह रिकवर ना हुए हों, बस कुछ ठीक हुए हों और वायरस के अंश इनके अंदर मौजूद रहे हों जो पुनः विकसित हो गए। तो यही इस आर्टिकल में था। आगे एक आर्टिकल और है, प्राइवेसी कंसर्न्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। इसमें कहा गया है कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हैं इस समय, NGO आदि काम कर रहे हैं अपने स्तर पर सरकार का काम अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे लॉकडाउन लगाना ये सब सरकार का काम था, NGO तो सिर्फ समझा सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, पर सरकार ही महत्वपूर्ण कदम उठाती है। सरकार को भी लगा कि इस समय लॉकडाउन लगाकर जान बचाना आवश्यक है और जनता भी इससे सहमत थी। FR मतलब फंडामेंटल राइट के हनन के लिए भी जनता तैयार हो गई थी, परंतु बिना किसी कानून के बनाए फंडामेंटल राइट का हनन कैसे किया जाए, जैसे सरकार कर रही है। टेक्नोलॉजी द्वारा निजता का हनन किया जा रहा है, ड्रोन के द्वारा पूर्ण जानकारी एकत्रित कर ली जा रही है, आरोग्य सेतु का प्रयोग करके लोगों के निजी डेटा ले लिए जा रहे हैं, संक्रमित व्यक्तियों की सूचना जारी कर दी जा रही है, जैसे जिन पे आशंका है उनकी भी लिस्ट जारी हो रही है। इसका प्रभाव समाज पर गलत पड़ सकता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, जबकि शिक्षित समाज भी इससे प्रभावित हो ही जाता है। होगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है इसकी सूचना समाज को मिल जाएगी तो लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, लोग उसे सहानुभूति की बजाय उसको अपराधी जैसा फील करवाएंगे, जो समाज के लिए सही नहीं है। अतः सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों की सूची गुप्त रख के उन पर नज़र रखी जाए। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को ट्रेस करना, फेस मैच करते हैं आधार कार्ड से,
उससे निजता का हनन होता है और निजी दस्तावेज सरकार को पता चलते हैं। पर सरकार को ये सब पता चलने से कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि ऐसा कोई नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि इसको हैक करके कोई और ना इस्तेमाल कर ले। लोगों को पता कैसे चले कि सही क्या है और गलत क्या है। एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के आधार पर ड्रोन का इस्तेमाल भी बिना किसी कानून के नहीं कर सकती सरकार। अतः ऐसा कोई कानून बनाए सरकार और फिर इसका इस्तेमाल करे, तब ये सही होगा। आगे एक आर्टिकल है, कोरोना से जंग और महिलाएं। इस आर्टिकल ऐसा ही एक आर्टिकल द हिंदू में निकला था, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये भी उसी तरह से है कि कोविड-19 महामारी ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर अवांछित प्रभाव की बाढ़ ला दी है। अभी जब हम इसका मुकाबला करते हुए कई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, तो महिलाओं पर पड़ रहे इसके नकारात्मक असर पर भी गौर करना होगा। जैसे घरेलू हिंसा आदि सब बहुत बढ़ रहे हैं, और भारत सरकार ने हालिया बजट में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पर बजटीय आवंटन को कुल स्वास्थ्य बजट के 20% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये दुखद है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। महिलाओं के स्वास्थ्य की को कमतर आंकना भारत के लिए सही नहीं था। महिलाओं को वैसे भी समाज में निम्नतम स्थान है, और वो अगर स्वस्थ नहीं होंगी तो वो कैसे चलाएंगी। और परिवार की एक महत्वपूर्ण धुरी होती है। जैसे लॉकडाउन में भी देखा जा रहा है, सबको छुट्टी मिली, सबके काम से छुटकारा हुआ, लेकिन जो घरेलू महिलाएं हैं वो उन्हें घरेलू काम से छुटकारा नहीं मिल सका, और जो ऑफिशियल वर्क करती हैं उन्हें तो डबल दबाव हो गया। उन्हें घर का भी काम करना था और ऑफिस का भी। तो महिलाओं के स्वास्थ्य बजट को घटाना उचित नहीं था, बल्कि उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को की खुशहाली ही इस महामारी को अच्छे ढंग से बचा सकती है, और महिलाओं की खुशहाली भी इस समाज के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः कोरोना के जंग के साथ साथ महिलाओं पर भी ध्यान दिया जाए। इस समय घरेलू हिंसा की केसेस भी बढ़ गए हैं, तो इन पर भी ध्यान दिया जाए। और इस डिस्कशन को आप द हिंदू के आर्टिकल से भी सुन सकते हैं। एक और आर्टिकल है, लोक प्रशासन को सुधारने का मौका। इस समय जहां मानवता में, देश में, सभी विश्व में त्राही त्राही मची है, तो किस तरह से समाज कार्य करे, क्या करे, ये भी अब निर्धारण करना होगा। जैसे 90 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने LPG लाया था, और समाज को निजीकरण की तरफ इसने दिशा दी थी, जिसमें सबसे पहला निजीकरण का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे पड़ा वो था शिक्षा और चिकित्सा। सर्वाधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महत्व मिला और प्राइवेट स्कूल को। इसका एक कारण ये भी था कि उसी समय आरक्षण, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था, वो भी उसी लगभग उसी समय प्रभावी हुआ, और लोगों में प्राइवेट की तरफ, सरकारी जगह जाने के लिए आरक्षण का त्रास झेलना पड़ा, तो लोगों ने प्राइवेट की तरफ अपना रुख अपना लिया। ये भी एक कारण था। तो इस समय लोक प्रशासन को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, फिर से देखना चाहिए कि हमें क्या नीतियां बनानी हैं। अगला एक आर्टिकल है, जनसत्ता का, विज्ञान ही बचाएगा संकट से। जैसा कि हमारे भारत में झाड़ फूक, दुनिया के तंत्र मंत्र चालू रहते हैं सभी बीमारियों के लिए, यानी यहाँ तक कि पथरी, पीलिया, कैंसर जैसी बीमारियों को भी का भी इलाज झाड़ फूंक से हो जाता है। बुखार और दस्त के इलाज भी झाड़ फूंक से हो जाते हैं। इधर भी कुछ शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था, तो कुछ खबरें आई थी माता की चौकी और ये वो हो रहे हैं जो इलाज कोरोना से बचाएंगे, परंतु अब लॉकडाउन सख्ती से अपनाया गया, और आज ये निश्चित हो गया कि इस संकट से हमें विज्ञान ही बचा पाएगा। क्योंकि सभी मंदिर, मस्जिद, जितने भी धर्म के जो साधन हैं वो सब बंद हैं, सिर्फ और सिर्फ अस्पताल और सरकारी जो भी एसेंशियल सर्विस है वही ओपन है। तो विज्ञान हमारे लिए इस समय, इस संकट से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो गया। ये लोगों में
चेतना भी पहुंच रही है। हालांकि आजादी के बाद भी वैज्ञानिक चेतना के नारे तो दीवारों पर लिखते रहे हैं, लेकिन समाज में वैज्ञानिक चेतना दूर दूर तक दिखाई नहीं दी है। इस पर थोड़ा सा सरकार को और जो सिविल सोसाइटीज हैं उनको जागरूकता फैलानी चाहिए। अभी भी बहुत तरह की अफवाहें आती हैं, इनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और मेंस के लिए भी आप इसमें से पॉइंट्स देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना पर विचार करे, यानी कि संपूर्ण देश के लिए जब नागरिकता एक है तो राशन कार्ड भी एक ही अलाउ होना चाहिए। होता क्या है, ये राज्य बार बनते हैं, तो जो इस राज्य का व्यक्ति कभी दूसरे राज्य में जाता है तो उसका राशन कार्ड वहाँ पे काम नहीं करता और वो पीडीएस का लाभ नहीं उठा पाता। और अक्सर तो पलायन की प्रक्रिया मजदूरों में ही होती है, गरीब तबके में होती है, और उन्हें फिर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। एक और पॉइंट है, मूडीज ने भारत की वृद्धि अनुमान को घटाकर 0.2% किया, ये पीटी के लिए है। एक और है, सतर्कता आयोग का पदभार आज संभालेंगे सुरेश ए पटेल। तो आज तक की ये आज की जरूरी न्यूज थी जो हमारे परीक्षा के लिए आवश्यक थी, हमने डिस्कस की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।